हमारे पहाड़ी इलाकों ने तो इसका बहुत खामियाजा भुगता है और मैंने तो यहां रहते हुए सब करीबी से देखा है कि कैसे हमारी गर्भवती माताओं बहनों को रोड के अभाव में, सड़क के अभाव में अस्पताल जाने तक में कितनी दिक्कत होती थी। कितने ही हमारे बुजुर्ग अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते थे। भाइयों बहनों, पहाड़ के रहने वाले लोग जानते हैं कि रेल कनेक्टिविटी ना होने का, उसका ना होने का, उस वजह से वो एक प्रकार से दुनिया से कट जाते हैं। जिस क्षेत्र में अनेकों झरने हो, नदियां बहती हो, वहां पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो, वहां पर नल से जल आना कितनी बड़ी चुनौती रहा है, इसका अंदाजा बाहर के लोगों को कभी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बरसों तक यहां सरकारें चलाई, उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफ से जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आज का नया भारत इन पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है।